कितना टाइम हो गया। ये मंगेश का अभी तक कोई ठिकाना नहीं। देखो मैं आ गया ना अवनी। मुझे कोई बात नहीं करनी। कल तुमने मुझे कितना वेट कराया तुम्हें कुछ समझ में आता है? मैं तुम्हारे कोई बहाने सुनना नहीं चाहती। अब तुम्हें फोन करने की जगह तुम्हारी माँ को फोन कर दिया। तुमसे बात करने की जगह तुम्हारी माँ से बात करने लगा। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा यहाँ वेट कर रही हो। और ये जितना भी कन्फ्यूजन हुआ सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। देखो मंगेश, अगर तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते तो साफ साफ मना कर दो। झूठ मूठ के बहाने मत बनाओ। अरे यार ऐसे नहीं मानेगी। अरे अपनी समझने की कोशिश करो। एक तो तुम्हारे कितने रोज रोज के नाटक है। तुम्हारा ये नाटक देखकर ना मैं थक गई हूँ। अब तुम्हारे कितने बड़े बिजनेस चलते हैं ना यही मुझे समझ में नहीं आता है अब। अरे अपनी बस करो यार, अब इतना भी गुस्सा मत करो मुझ पर। वैसे भी हम कितने दिनों बाद मिले हैं, बात को समझना है यार। मुझे कुछ समझना सुनना नहीं है। अरे थोड़ी बहुत तो इज्जत करो मेरी। मैं बिजनेसमैन हूँ, यहाँ सब मुझे जानते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मंगेश मेरा बर्थडे नजदीक आ रहा है। उस दिन मुझे कोई झूठा बहाना नहीं चाहिए कि तुम पेट्रोल पंप पे हो या फैक्ट्री में हो। उस दिन तुम मुझे मेरे घर पर चाहिए और वो भी एक ही फोन पर। मैं आ जाऊंगा लेकिन बस तुम मुझे एक फोन कर देना। इस बार मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा और तुम्हारे बर्थडे पर टाइम से पहुंच जाऊंगा। और लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे हम। अवनी किस करूं क्या? नारे तुम्हें कोई अकल वकल है? तुम बिजनेसमैन होकर ऐसे रास्ते पर खुलेआम किस करोगे? अच्छा क्या कोई बिजनेसमैन अपनी गर्लफ्रेंड को किस नहीं करता है क्या? ना। किस? नो। करने दो ना। नो। किस? नो। किस? मैं किस नहीं करने दूंगी। प्लीज एक किस करने दो ना। नहीं। ओ बाबा, ओ बाबा। कहाँ जा रहे हो? देखता नहीं है, उन चौदेशियों के घर जा रहा हूँ। अरे वहाँ तो चार चार शनि रहते हैं, राहु, केतु, मंगल। तुम्हारी कोई भी काली विद्या काम नहीं करेगी। मूर्ख, मुंह बंद कर, नहीं तो मैं तुझे तुरंत चिड़िया बनाकर गौओं के बीच में फेंक दूंगा। चलो जाओ जाओ, तुम्हारी भी मेरी जैसी ही हालत होगी। तुम सबने मुझे मूर्ख बनाया, मुझे तांत्रिक को उल्लू बना रहे थे। तुम्हें तो चूहा बना दूंगा और तुझे तोता बनाऊंगा। पकड़ इनको, जा। इसको पकड़, जा। कहाँ है तुम्हारा बॉस? मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता? पागल समझ के रखा है? सच कह रहा हूँ मैं। बता जल्दी, नहीं तो तुझे चूहा बना दूँगा। मुझे कुछ भी नहीं पता बाबा। तो किसे पता है? उसे पता है। अच्छा उसे पता है? हाँ। सच्ची? सच बोल, नहीं तो समझ जाए। सच बोल रहा हूँ। तुझे तो मैं तोता बना के ही छोड़ूंगा। पोपट? पोपट नहीं हूँ मैं। कहाँ है तुम्हारा वो चौरसिया? चौरसिया? वो कहाँ है मुझे नहीं पता। नहीं पता? नहीं। नहीं पता? नहीं। गंडेश्वर को पागल बना रहे हो? ए चौथा, ए मंगा, तुझे पागल बना रहे? तुझे तो मत 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 मत। तांत्रिक को बंदूक दिखा रहा है, है? रुको बताता हूँ।
तू गाजर में से गोली चुप अच्छा वो मंगू आ गया क्या हुआ बोलो मंगा बाबा कौन बाबा क्या है क्या है क्या है क्या है अरे क्या है बाबा बाबा क्या बाबा है बात सुनो ये कछुए के नाम पर ना पत्थर देता है पत्थर मूर्ख बना रहे हमको अरे बेवकूफ मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर कोई गलत काम करोगे तो ये कछुआ पत्थर बन जाएगा ए बाबा हाँ, तुमने मेरा सामान तोड़ा इसके लिए पत्थर बन गया अच्छा वो तू आ गया हाँ तू आ गया अरे वाह मंगा वाह तू तो जाग गया यार ओ केशव भाई अगर बाइक लेनी होगी तो मुझे बताना हाँ मंगा भाई लेना तो था ही हाँ तो मुझसे लो ना पर धंधा मंदा चल रहा है अरे मंदी छोड़ो ये बाइक मैं सिर्फ 20,000 में बेच रहा हूँ इधर आके देख लो अब 20,000 में इससे अच्छी गाड़ी तो नहीं मिलने वाली ना 20,000 तो ठीक है पर मंदी है पैसा ही नहीं है अच्छा अभी कितना दे सकते हो बोलो ना वैसे 5,000 है मेरे पास अच्छा लाओ 4-5 हज़ार रुपए 4-5 हज़ार रुपए दो शाम को गाड़ी देता हूँ 1, 2, 4 एक ये 5 अच्छा ये 5,000 तो ठीक है बाकी जल्दी दे देना ओके और पैसा है क्या अरे 10 रुपए पड़ा है लाओ ना 10 भी चलेगा लाओ अभी मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ शाम को 5 बजे गाड़ी देता हूँ मिल जाएगी ना पक्का देता हूँ शाम को 5 बजे गाड़ी पहुँच जाएगी ठीक है छुछुंदर इधर आओ इधर आओ कहाँ है मंगा बोल मुझे नहीं पता मामू कहाँ है सच बोल मुझे कुछ नहीं पता तुझे पता है ना मैं डोंगरी दादा हूँ डोंगरी दादा हाँ डोंगरी डोंगरी दादा अगर तेरे मंगा ने मुझे कल पैसे नहीं दिए ना तो ये मेरे आदमी लोग तुझे और तेरे मंगा को जमीन के अंदर गाड़ देंगे समझा ना चल हट याद रखना कल फिर मैं आऊंगा बोबड़ा भाई कहाँ जा रहे हो आप मैं दुकान पर जा रहा हूँ कितने दिन तक ऐसे ही पैदल चलोगे आप गाड़ी वाड़ी नहीं लेना है क्या मुझे तो गाड़ी लेना ही है पर गाड़ी मिलनी चाहिए ना अच्छी तो मैं गाड़ी बेच रहा हूँ खरीदोगे क्या कितने में 20,000 रुपए मात्र लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है
कितना है आप? 5,000 है। 5,000 है तो ठीक है, बाजू से काम निपटा के आता हूँ, बाइक ले लेना। बाइक सच में देंगे ना? ठीक है, 5,000 दे दो, फाइनल हो गया। एक मिनट रुको, गिनने दो पहले। 1, 2, 3, 4, 5। बाकी का पैसा जो बाकी है समय से दे देना। नहीं और नहीं है। ठीक है, आज शाम को 5 बजे आके गाड़ी ले जाना, समझ गए? सच में देंगे ना? अरे फाइनल कर दिया, टोकन दे दिया ना आपने। क्या है, गाड़ी वाड़ी नहीं लेना है क्या? हाँ लूंगा। बाइक तो अच्छी है, लेकिन सही रेट लगा लेगा तो लूंगा। 20,000 रुपए मात्र। इतना तो बहुत ज्यादा है। कितना है आपके पास? इतना ही है मेरे पास, लेगा तो ले ले। क्या हुआ? 5,000 है तो ठीक है, बारी देगा क्या? कहता हूँ बाइक ले लेना। चलता हूँ। ठीक है, 5,000 हेलो, उसकी मासूका तो मिल गई, लेकिन मंगा कुछ पता नहीं चला है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की, आप फिक्र ना करें, हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आजकल अखबार में कुछ अच्छी खबर तो छपती ही नहीं है, बस झोलर झोलर झोलर। रुक्मणी, ए रुक्मणी, घर का दरवाजा और खिड़की हमेशा बंद रखा करो, घर में जवान लड़की है, पता है ना, इन झोलरों का आतंक बढ़ गया है अपने शहर में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या आप भी ये सुबह सुबह ये राम राम करने के बजाय झोलरों का नाम लेके बैठ गए? ये देखो, जाओ अवनी को उठाओ, उसे कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। यूनी भी ना रात को 2-2 बजे तक व्हाट्सएप फेसबुक और वो इंस्टाग्राम में लगी ही रहती है, सुबह 10-10 बजे तक उठती नहीं है। चलो ठीक है, मैं ही उठाती हूँ उसे। अवनी अवनी, अवनी अवनी, हे भगवान 10 बज गए, उठ। हाँ उठती हूँ। अरे सोना नहीं है बेटा, कॉलेज जाने में देर हो रही है तुझे, चल उठ तो अब। हाँ उठती हूँ। ये लड़की भी ना, चल उठकर जल्दी से नीचे आ। आती हूँ। Thank you.
ए धमला रुक। बोलो। अरे एक काम है तुझसे। हाँ बोल। अपने को एक कछुआ चाहिए, 20 नाखून वाला। तुझे कछुए की क्या जरूरत है? अगर हमें कछुआ मिल गया तो हम करोड़पति बन जाएंगे, याद रखो। करोड़पति? वो भी कछुए से? क्यों मजाक कर रहा है? चल चल चाय पीते हैं। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे चलना। चूथा, तुझे समझ में नहीं आता? तेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नया जाल लेकर आया हूँ? ना, रख ले रख ले रख ले। क्या बोला है, क्या बोला है? अबे बोल क्या रहा है? अरे छोटू रख ले, रख ले 500। अरे रख ले ना 500। अब देखता हूँ मंगू कैसे नहीं उठता है। अरे प्यार से दे रहा हूँ, रख ले। अरे छोटू रख ले, मेरी बात तो सुन। अरे अबे सुधरी क्यों जगाए मुझे? तेरी तो पहले मेरी बात सुन। सिक्का को छोड़, मैंने पैसे का झोल ढूंढ लिया है। हाँ, पैसा का झोल ढूंढ लिया है। अच्छा ठीक है। हाँ, चाय की टपरी पे मैंने सुबह सुबह एक झोल ढूंढा है। हम लोगों को ये झोल करना पड़ेगा। वो लोग कछुए की बात कर रहे थे, कछुए से पैसा मिलेगा। समझ गए ना तुम लोग? सच में? हाँ जल्दी काम शुरू करते हैं, फटाफट। हाँ चलते हैं, चलो। ऐसा है तो तुम कछुए क्या कर दे। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, कुछ करो भगवान। 10 दिन हो गए, अब तक बोहनी नहीं हुआ। लगता है ऊपर अमराज सो रहे हैं पेंडिंग में। हे भगवान, हे भगवान, आपका हो गया, आपका हो गया। अब इसकी बारी है। जय जय रूप सुंदरी। हे अमराज, कोई तो ग्राहक भेजो। हे अमराज, अरे अरे अरे, आओ 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 आओ। अरे सुबह सुबह ये क्या चालू कर दिया तूने? दिखाई नहीं दे रहा, दिया बत्ती और पूजा कर रहा हूँ। हाँ पर सीढ़ी पे लगा के ये सब क्या कर रहे हो तुम? अब जो है सो है, यही पूजा करता हूँ इंसान मार डालने का। हाँ हाँ ये तो नोट लगती है। हाँ इंसान मार डालने का यही पूजा करता हूँ। जय भगवान, जय भगवान। मंगा कहाँ है? हाँ हाँ, वो 420 खोली, 420 मंगा, 420 420 नंबर की खोली में, उस तरफ। हाँ हाँ उसी तरफ, उसी तरफ, उसी तरफ। अच्छा वहाँ? हाँ वही बंगला, वही बंगला। हाँ उस तरफ। हाँ एक दो लेते जाओ, ये किसी इंसान को मार दोगे तो क्या करूँ। लेते जाओ, लेते किसी जाओ। की जान लेने के लिए धंधा खोला है क्या तूने? नहीं नहीं बाबा, कम से कम एक आध दो तो लेते है? जाओ। ये है ना दूसरी पूजा करने के लिए, इसे मार डालने का है। अच्छा? हाँ इसे मार डालने का है, तुम्हें नहीं करनी। वाह भाई वाह, तू तो ग्रेट है यार। हे भगवान, हे भगवान। कहाँ था तू? कैसे हो, मजे में है सब? हाँ अच्छे हैं, बोलो। अच्छा मंगा भाई किसका नाम है तुम लोगों में से? मेरा नाम मंगा है, बोलो। अच्छा मंगा भाई। हाँ। तुम ही हो? मैंने सुना है तुम्हारे पास एक सुलेमानी पत्थर जैसा कुछ है। सुलेमानी पत्थर? हाँ है ना पत्थर। हाँ पत्थर है मेरे तो पास। वो मुझे जरूरत है पत्थर की। जरूरत है? हाँ। तो एडवांस जरूरत है तो देना पड़ेगा। एडवांस तो तुम्हें मिल ही जाएगा। ए पत्थर के बारे में तुम मुझे कुछ बताओ। अरे बिल्कुल बताऊंगा। ए हाँ, सिक्का हाँ, कुर्सी लेकर आ जा रे, जा जा जल्दी जा। वैसे कहाँ से आए हो तुम? वो मैं दिल्ली के आसपास से ही आया हूँ। दिल्ली के बाजू में? कोई बात नहीं, बैठो बैठो। मंगा कुर्सी? अरे कुर्सी बोला था, बैठो बैठो। ये कुर्सी है? सॉरी सॉरी। हाँ सॉरी सॉरी। हाँ इट्स ओके। वैसे उस पत्थर का क्या करोगे आप? पत्थर की मुझे बहुत जरूरत है। अच्छा। बैठो बैठो कुर्सी पे बैठो। पत्थर के बारे में मुझे कुछ बता दोगे तो बैठो अच्छा रहेगा। पत्थर में कई प्रकार आते हैं। पत्थर अच्छा। अगर हाथ में रखा हो तो चाकू मारोगे हाँ। तो चाकू नहीं लगेगा। अच्छा। और इस हाथ में रखोगे तो गोली मारोगे तो गोली नहीं लगेगी। ओह
अगर यहाँ लगा के रखो तो जैसे अच्छा। कोई भी सलिया घुसाने की कोशिश करे तो अच्छा। गुम तो सलिया नहीं घुसेगा, लेकिन एडवांस लगेगा। हाँ एडवांस तो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रोकड़ा है ना? रोकड़ा हाँ रोकड़ा है। हाँ फिर ठीक है, पहले एडवांस करते हो तो मैं पत्थर की सेटिंग कर दूंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, समझे? नहीं नहीं, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगी। ये पत्थर मैं गोवा से लाया हूँ और इस पत्थर को लाने में मुझे 2 दिन लगे थे। अच्छा समझ गए, उसे बहुत संभाल के रखना पड़ेगा, माता जी की पूजा करा के यज्ञ करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, वैसे उस पत्थर का तुम क्या करोगे? मैं अगर वो पत्थर मिल गया ना तो मेरी लाइफ और तुम्हारी लाइफ ऐसी बन जाएगी ना कि तुम जो ये पत्थरे के घर में रहते हो ना, कल सुबह तुम बड़ी सी बिल्डिंग में रहोगे, गाड़ी बंगला मोटर पैसा गड्डी की गड्डी भरी रहेगी, ऐस पूरी ऐस आराम, एकदम ऐसो आराम, और ये छपरा भी निकल जाएगा। हाँ छपरा भी निकल, बंगला, जिंदगी एकदम सेट। पत्थर मिल गया समझ लो। अरे वाह, तो पैसा भी मिल गया। जा पत्थर लेकर जा, जल्दी जा, और सुन गंगेश्वर की वाड़ी वाला लाना, समझे? जा, आपका काम हो गया, चलो एडवांस निकालो। एडवांस देता हूँ, लो पकड़ो। ये आपकी गाड़ी की चाबी है? हाँ अपनी ही है। ओहो महंगी लगती है गाड़ी। पत्थर आने से पहले ये बंडल मैं दे रहा हूँ। 2 लाख क्या बात है। ओहो अभी मैं तुम्हें 50,000 दे रहा हूँ। 50,000 क्या बात कर रहे हो? अच्छा आगे का और कितना मिलेगा? पैसा 50,000 कम पड़ेगा ना इसमें, बराबर तो है यार। ये पत्थर मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन बाकी का बच्चा कैसा वो आप मुझे कब तक देंगे ये बताओ। इस पत्थर के बहुत फायदे हैं, मैं बता रहा हूँ। अगर इस पत्थर को हाथ में रखोगे तो इस हाथ में चाकू नहीं लगेगा और इस हाथ में गोली नहीं लगेगी। लो इसको तो मिल गया यार, मुझे कब मिलेगा? चाकू लेकर आओ, एक बार ट्राई करना है, ट्राई करना है। ओके हाँ ठीक है चाकू, चाकू लेकर और मुझे टेस्ट करके दिखाओ इसे। इस हाथ में पकड़ो, चाकू नहीं लगेगा और इस हाथ में गोली नहीं लगेगी, क्या बोलते हो? और वैसे भी घर में आजकल चाकू तो रहते हैं, चाकू तो है, हैं? बंदूक रख सकते हैं लेकिन लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, हैं? चाकू पत्थर है इस हाथ में? है 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 पत्थर। हाँ ठीक है, देखा ना ओरिजिनल है। अरे वाह समझ गए, तुम अपने हाथ में मारो। कुछ हुआ? चमत्कार हो गया। बोला ना कुछ नहीं होगा। हाँ चमत्कार ही है, समझ गए ना। धल लाओ, देखो इसके फायदे। इससे आज मैं आके देखते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। निकलो यहाँ से, लगता है मीटिंग चल रही है। एक बार ट्राई करके देखो। ले जाना भाई, ले जाना इस गधे को यहाँ से। चाकू से अच्छा है इससे टेस्ट करो। इधर क्या हुआ? समझ गए ना आप अच्छे से। अगर आप नहीं समझे तो एक बार वापस से सीखना है, बोलो तो वापस से ट्राई कर लेते हैं। ठीक है फाइनल हिसाब कर दो इसका, समझ गए? और हाँ संभाल कर इस पत्थर का विधि विधान करवा लेना और आराम से सब निपटा लेना। ठीक है सब करवा लूंगा मैं। हाँ ठीक है चलो संभल कर जाना। ठीक है फिर मिलते रहना। बस तो फिर। और हाँ बंगला बनेगा यहाँ? अरे जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी पैसा माला माल, और ये पत्रा उतरा सब निकाल दो यार, और तुम लोग ऐशो आराम से जियो। चलो अच्छा ठीक है, बाय 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 बाय। अरे वाह आज तो मैं रातों रात करोड़पति हो जाऊंगा, चल ट्राई करते हैं। Thank you.
पागल हो गया। एक नारियल देना। इसे क्या हुआ? पता नहीं। लगता है पागल हो गया है। मालूम नहीं, मुझे भी नहीं पता। अरे देख के चलना। मुझे चटका। चल जाने दे। चौधा कुछ भी करके आज हमें बंगला खरीदना ही पड़ेगा। हाँ भाई हाँ। देख रजनी, करोड़पति तो ठीक है पर रोड़पति ना बन जाए। मेरी पत्नी मुझे पति मानती है, मुझे कहीं फंसाने का धंधा मत कर। ऐसे दो कटिंग चाय देना है तुम मेरी बात का यकीन मानो। एक काम करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और दो कप दे देना। हाँ चल, मैं तुझ पर यकीन कर लेता हूँ। कल कछुआ लेके आएंगे और आधा आधा पैसा बांट लेंगे। हाँ ठीक है चलेगा। हाँ अब बोल कहाँ चल रहा है। तो हो गया है पार्टी। वैसे भी करके कछुए का झोल कितने बजे? क्योंकि पार्टी अभी जोश में है। चल चलेंगे, कोई बात नहीं। अरे मंगा, कुछ समझ में आता है कि नहीं तुम दोनों को? क्या हुआ? कछुए को इस तरह से कोई छोड़कर आता है? अरे उसे तो लक्ष्मी मानते हैं। बोल क्या रहा है वो? उसकी पूजा करते हैं। कौन सा? जो दुबई से लाया? वो मेरी अमानत है, मैं किसी को दूंगा नहीं। तू जाके अपना काम कर। चल। हाँ मैं संभालता हूँ। निकल निकल, कछुए को संभालता हूँ। हाँ निकल। वो कछुआ दे दो ना मुझे। कौन सा कछुआ? ये भाई जो बात कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, वो मैं नहीं दे सकता। अरे, मेरा अरे, अरे, माल नहीं, नहीं नहीं, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। लंदन से माल आने वाला था, उसका क्या हुआ? कब तक आया भाई? हाँ पैसा देने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं नहीं, निकलो यहाँ से। अरे दे दो। नहीं नहीं नहीं, देने का ही नहीं है। अरे भाई समझो ना, समझो ना। एडवांस लगेगा। हाँ हाँ एडवांस देता हूँ। ठीक है, कितना है? 30,000। ठीक है, तब तो अभी ही मिल जाएगा। रोकड़ा दो, बाकी का कछुआ देने के बाद। बाकी का दे देना यहाँ से, मैं कछुआ लेकर आता हूँ अभी। 11 बजे आना। वो बिल्डिंग है ना, वो बिल्डिंग है ना। हाँ हाँ उसके पीछे। ठीक है मिल जाएगा शाम को पक्का। हाँ। लेकिन कोई गलत काम मत करना। हाँ वो नहीं, पत्थर बन जाओ ना। हाँ। अभी तुमने 30 दिया, बाकी का 50 देना है। हाँ दे दूंगा। फाइनल है ना? हाँ फाइनल। ठीक है डील हो गई इससे। हाँ पक्का डील, फाइनल। 11 बजे आ जाना। हाँ आ जाओ जल्दी। पक्का आओगे ना? हाँ फाइनल। ठीक है मैं अभी कछुआ लेकर आता हूँ। बराबर ओके चलो। हे, अपन संक्रांति में पतंग पकड़ने के लिए ये सीढ़ी लेके जाए तो कैसा रहेगा? चलते हैं। चलो उठा के लेके जाते हैं आराम से। हे भाई कहाँ कहाँ? सब सत्यानाश हो गया, सब बर्बाद हो गया। हे भगवान, सब बर्बाद कर दिया। छोड़ूंगा नहीं किसी को। देख ये क्या हो रहा है, देख। ठेला वाला इसको जानता है क्या? नहीं भाई। नहीं जानता? नहीं। अच्छा एक काम कर, वो बर्फ का गोला बना, लाल वाला बना। बना बना जल्दी कर यार। ला पैसे बॉस। अरे चुप, पैसे
पैसे बॉस हमें भी खिलाओ ना, बॉस बॉस हमें भी खिलाओ चल, ना चल अरे चल बाद में खाना चल। अब ये भी खाएगा बर्फ का गोला। जाओ ओए, इसको जानते है क्या? नहीं भाई। इधर आ, इसको नहीं जानता? नहीं भाई, इसको मैं नहीं पहचानता। चाय पानी नाश्ता वगैरह दूं? अरे चाय पानी समोसा कुछ नहीं चाहिए। जब तक इसको पकड़ेगा नहीं, ना चाय ना पानी ना समोसा, चैन भी नहीं आएगी। चलना। हाथ बढ़ा। अरे आना, तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? हाँ? बोलो। बाबा बाबा बाबा, अपना काम हो गया, विश पूरी करने वाला कछुआ मिल गया। वो भाई लेके आता ही होगा। कछुआ किसी और को भी देना है। अपना काम तो हो जाएगा ना बाबा? हो जाएगा, हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। बस तू 12 तो बजने दे। उसके बाद कछुआ आने के बाद बहुत सारे पैसे का बरसात हो जाएगा, धुआंधार। बस तू खाली कछुए का इंतजाम कर, उसके बाद तू देख इस गंडेश्वर का कमाल। अच्छे अच्छे लोग को मैंने माला माल कर दिया है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाए बिचे स्वाहा। अरे लो तुम्हारा कछुआ, अगर गलत काम करोगे तो ये पत्थर बन जाएगा। और मेरा पैसा लाओ। दो इसे। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाए बिचे स्वाहा। अच्छा अब टाइम हो गया कछुए को निकालने का। पर ध्यान रखना, 10 फीट दूर से ही कछुआ निकालना। चा ओम हिम क्लिम चामुंडाए बिचे स्वाहा। ओम हिम क्लिम चामुंडाए बिचे स्वाहा। बाबा कछुआ तो बाहर ही नहीं आ रहा है। अरे मूर्ख, जा जाके निकाल। ओम हिम क्लिम चामुंडाए बिचे स्वाहा। ओम हिम क्लिम चामुंडाए बिचे स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाए बिचे स्वाहा। निकाल। ये लो बाबा कछुआ। चिट्ठी निकाल। गांडेश्वर को पागल बनाया, गांडेश्वर को। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाए बिचे स्वाहा। लगता है यार आज मेरी वाट लगने वाली है। हेलो, कहाँ हो मंगेश? मैं घर पे हूँ। अगर तुम 10 मिनट में नहीं आए ना तो मैं घर पर आ जाऊंगी। अरे तुम 10 मिनट रुको, मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊंगा वहाँ। क्या क्या कहा तुमने? अरे मेरी माँ तो फोन रखेगी तभी तो आऊंगा मैं। चल अच्छा फोन रख, मैं आ रहा हूँ अभी। Yeah.
टाइम हो गया। ये मंगेश का अभी तक कोई ठिकाना नहीं। मैं आ गया ना अवनी। मुझे कोई बात नहीं करनी। कल तुमने मुझे कितना वेट कराया तुम्हें कुछ समझ में आता है? मैं तुम्हारे कोई बहाने सुनना नहीं चाहती। अब तुम्हें फोन करने की जगह तुम्हारी माँ को फोन कर दिया। तुमसे बात करने की जगह तुम्हारी माँ से बात करने लगा। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा यहाँ वेट कर रही हो। और ये जितना भी कंफ्यूजन हुआ सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। देखो मंगेश, अगर तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते तो साफ साफ मना कर दो। झूठ मूठ के बहाने मत बनाओ। अरे यार ऐसे नहीं मानेगी। अरे अम्मी समझने की कोशिश करो। एक तो तुम्हारे कितने रोज रोज के नाटक है। तुम्हारा ये नाटक देखकर ना मैं थक गई हूँ। अब तुम्हारे कितने बड़े बिजनेस चलते हैं ना यही मुझे समझ में नहीं आता है अब। अरे अम्मी बस करो यार, अब इतना भी गुस्सा मत करो मुझ पर। वैसे भी हम कितने दिनों बाद मिले हैं, बात को समझना है यार। मुझे कुछ समझना सुनना नहीं है। अरे थोड़ी बहुत तो इज्जत करो मेरी। मैं बिजनेसमैन हूँ, यहाँ सब मुझे जानते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मंगेश मेरा बर्थडे नजदीक आ रहा है। उस दिन मुझे कोई झूठा बहाना नहीं चाहिए कि तुम पेट्रोल पंप पे हो या फैक्ट्री में हो। उस दिन तुम मुझे मेरे घर पर चाहिए और वो भी एक ही फोन पर। मैं आ जाऊंगा लेकिन बस तुम मुझे एक फोन कर देना। इस बार मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा और तुम्हारे बर्थडे पर टाइम से पहुंच जाऊंगा। और लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे हम। अवनी एक किस करूं क्या? नारे तुम्हें कोई अकल वकल है? तुम बिजनेसमैन होकर ऐसे रास्ते पर खुलेआम किस करोगे? अच्छा क्या कोई बिजनेसमैन अपनी गर्लफ्रेंड को किस नहीं करता है क्या? ना। किस? नो। करने दो ना। नो। किस? नो। किस? मैं किस नहीं करने दूंगी। प्लीज एक किस करने दो ना। नहीं। ओ बाबा, कहाँ जा रहे हो? देखता नहीं है, उन चौदेशियों के घर जा रहा हूँ। अरे वहाँ तो चार चार शनि रहते हैं, राहु, केतु, मंगल। तुम्हारी कोई भी काली विद्या काम नहीं करेगी। मूर्ख, मुंह बंद कर, नहीं तो मैं तुझे तुरंत चिड़िया बनाकर गौओं के बीच में फेंक दूंगा। चलो जाओ जाओ, तुम्हारी भी मेरी जैसी ही हालत होगी। मुझे मूर्ख बनाया, मुझे तांत्रिक को उल्लू बना रहे थे। तुम्हें तो चूहा बना दूंगा और तुझे तोता बनाऊंगा। पकड़ इनको, जा पकड़, जा जा। कहाँ है तुम्हारा बॉस? मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता? पागल समझ के रखा है? सच कह रहा हूँ मैं। बता जल्दी, नहीं तो तुझे चूहा बना दूंगा। मुझे कुछ भी नहीं पता बाबा। तो किसे पता है? उसे पता है। अच्छा उसे पता है? हाँ। सच्ची? सच बोलने से समझ जाए। सच बोल रहा हूँ। तुझे तो मैं तोता बना के ही छोड़ूंगा। पोपट? पोपट नहीं हूँ मैं। कहाँ है तुम्हारा वो चौरसिया? चौरसिया? वो कहाँ है मुझे नहीं पता। नहीं पता? नहीं नहीं पता? नहीं। गंडेश्वर को पागल बना रहे हो? ए चौथा, ए मंगा, मुझे पागल बना रहे हैं? तुझे तो मत 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 मत। तांत्रिक को बंदूक दिखा रहा है, हैं? रुको बताता हूँ।
गाजर में से गोली चुप। अच्छा वो मंगू आ गया। क्या हुआ बोलो। मंगा बाबा। कौन बाबा? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? अरे क्या है बाबा? बाबा क्या है? बाबा है? बात सुनो, ये कछुए के नाम पर ना पत्थर देता है, पत्थर मूर्ख बना रहे हमको। अरे बेवकूफ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर कोई गलत काम करोगे तो ये कछुआ पत्थर बन जाएगा। ए बाबा, तुमने मेरा सामान तोड़ा। अच्छा वो तू आ गया। हाँ तू आ गया। अरे वाह मंगा, वाह तू तो जाग गया यार। ओ केशव भाई, अगर बाइक लेनी होगी तो मुझे बताना। हाँ मंगा भाई, लेना तो था ही। हाँ तो मुझसे लो ना। पर धंधा मंदा चल रहा है। अरे मंदी छोड़ो, ये बाइक मैं सिर्फ 20,000 में बेच रहा हूँ, इधर आके देख लो। अब 20,000 में इससे अच्छी गाड़ी तो नहीं मिलने वाली ना। 20,000 तो ठीक है, पर मंदी है, पैसा ही नहीं है। अच्छा अभी कितना दे सकते हो बोलो ना। वैसे 5,000 है मेरे पास। अच्छा लाओ 4-5 हज़ार रुपए। 4-5 हज़ार रुपए दो, शाम को गाड़ी देता हूँ। 1, 2, 4, 1 ये 5, 5। अच्छा ये 5,000 तो ठीक है, बाकी जल्दी दे देना। ओके और पैसा है क्या? अरे 10 रुपए पड़ा है। लाओ ना, 10 भी चलेगा। लाओ अभी मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ, शाम को 5 बजे गाड़ी देता हूँ। मिल जाएगी ना? पक्का देता हूँ, शाम को 5 बजे गाड़ी पहुँच जाएगी। हाँ। ठीक है। छुछुंदर इधर आओ। इधर आओ। कहाँ है मंगा? बोल। मुझे नहीं पता मंगू कहाँ है। सच बोल। मुझे कुछ नहीं पता। तुझे पता है ना मैं डोंगरी दादा हूँ। डोंगरी दादा? हाँ डोंगरी, डोंगरी दादा। अगर तेरे मंगा ने मुझे कल पैसे नहीं दिए ना तो ये मेरे आदमी लोग तुझे और तेरे मंगा को जमीन के अंदर गाड़ देंगे, समझा ना? चल हट। याद रखना कल फिर मैं आऊंगा।
ए बोबड़ा भाई, कहाँ जा रहे हो आप? मैं दुकान पर जा रहा हूँ। कितने दिन तक ऐसे ही पैदल चलोगे आप? गाड़ी वाड़ी नहीं लेना है क्या? मुझे तो गाड़ी लेना ही है, पर गाड़ी मिलनी चाहिए ना अच्छी। तो मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, खरीदोगे क्या? कितने में? 20,000 रुपए मात्र। लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है। कितना है आप? 5,000 है। 5,000 है तो ठीक है, बाजू से काम निपटा के आता हूँ, बाइक ले लेना। बाइक सच में देंगे ना? ठीक है, 5,000 दे दो, फाइनल हो गया। एक मिनट रुको, गिनने दो पहले। 1, 3, 2, 3, 4, 5। बाकी का पैसा जो बाकी समय से दे देना। नहीं और नहीं है। ठीक है, आज शाम को 5 बजे आके गाड़ी ले जाना, समझ गए? सच में देंगे ना? अरे फाइनल कर दिया, टोकन दे दिया ना आपने। क्या है, गाड़ी वाड़ी नहीं लेना है क्या? हाँ लूंगा। बाइक तो अच्छी है, लेकिन सही रेट लगा लेगा तो लूंगा। 20,000 रुपए मात्र। इतना तो बहुत ज्यादा है। कितना है आपके पास? इतना ही है मेरे पास, लेगा तो ले ले। क्या हुआ? 5,000 है तो ठीक है, बाद देगा। क्या कहता हूँ, बाइक ले लेना। चलता हूँ। ठीक है, 5,000 फाइनल हो गया। तुम लोगों को गड्डी का गड्डी देता हूँ, लेकिन तुम लोग कोई काम नहीं करते, किसी काम के नहीं हो तुम लोग, सब बेकार हो। एक आदमी को तुम लोग नहीं पकड़ सकते तो तुम लोग क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, किसी काम के नहीं हो। बॉस, बॉस थोड़ा पैसा दो ना, ब्याज पे। बॉस प्लीज, मुझे प्लीज, पैसे की जरूरत है बॉस, पैसे दीजिए ना। हाथ जोड़ते हैं। तुम इसको मत छूना, इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। ले लो पैसा, जाओ जा निकल। अरे बाप रे बाप, इसने तो सबका झोल किया और मेरा भी झोल कर दिया, मुझे भी नहीं छोड़ा ये। पहली बार सो रहा है शांति से। यहाँ 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 बैठ। मंगा भाई किधर है? इधर आ, बताता हूँ, इधर आ। बोल मंगा भाई कहाँ गया है? मंगा भाई हाँ, उसके पापा के शादी में गया है। अगर उसके पापा की शादी है तो उसमें मंगा भाई का क्या काम? मुझे तो बस पैसा लेने का भाई। मेरी बात तो सुनेगा? हाँ। उसके पापा की जब सगाई हुई थी तब उसको हाँ। लड़का पैदा हुआ था बाद में शादी की। उनका क्या कोर्ट मैरिज था क्या? ऐसा ही कुछ था, मैं तो वहाँ नहीं था। मुझे तो सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। कितना चाहिए? 50,000। 50,000? 50,000 पैसे चाहिए मुझे। कितना? काम किया है उसका और किसका? कौन सा काम? 5 महीने काम किया उसका, 1,00,000 पेमेंट बाकी मेरा। किसके पास बाकी मंगा है? भाई से। जब मंगा आएगा तभी आ जाना। ए भाई तू अंदर जा, सो जा लाके। बोल अभी तक 50,000 में कितने जीरो आते है वो तो नहीं पता, और तू मुझसे पैसा मांग रहा है? लेकिन मंगा है ना मंगा, प्लेन में गया है बाहर घूमने के लिए। ऐसा? बड़ी पार्टी है वो तो, ऐसे ही घूमेगा वो? बड़ी पार्टी नहीं है, मंगा भाई का पापा है, उसके भाई हैं, मतलब कि चाचा, उसके चाचा पायलट हैं, इसलिए उसको केबिन में बिठा के ले गए। एक काम कर, तू निकल। केबिन? तू निकल, मंगा आएगा तो मैं उसे कह दूंगा। तू निकल, मेरा दिमाग मत खराब कर, तू निकल। मेरा प्यारा मंगा, वो जब चाहता है बाहर चला जाता है और मुझे गाली खानी पड़ती है। 50,000, 2 रुपया नहीं है और 50,000 मांग। बोल देना उसे। मंगा भाई को क्या हो गया? मंगा भाई का एक्सीडेंट हुआ पूरे गांव में पता चल गया। हा? तुम लोग को कैसे पता चला एक्सीडेंट हुआ है? मंगा भाई इतनी स्पीड से एक्सीडेंट हुआ। ब,
मंगा CD-100 गाड़ी लेकर 1500 की स्पीड से जा रहा था। सामने से पेन आई 1000 की स्पीड में। ये आया प्लेन आई, मंगा की गाड़ी, प्लेन आई, मंगा की गाड़ी आई, प्लेन आई। मंगा एक्सीलेटर खींच ही रहा था। प्लेन आई, मंगा अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ाता ही जा रहा था और सीधी गाड़ी प्लेन से टकरा गई और मंगा गिर गया। और इस तरह से गिर पड़ा था मेरा मंगा। और बाद में आपको पता है, और पूरी दुनिया में मेरा मंगा फेमस, अमेरिका में मंगा, न्यूजीलैंड में मंगा, रशिया में मंगा, लंदन में मंगा, यूरोप में मंगा, भावनगर में मंगा, भरूच में मंगा, थाईलैंड में मंगा, पाकिस्तान में मंगा, श्रीलंका में मंगा, बाकी बचा था नागालैंड, नागालैंड में भी मंगा और इस खटिया लैंड में भी। अभी इसको है ना बहुत बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मंगा पूरा का पूरा कोमा में है। और है ना, इसे इतनी बड़ी बोतल चढ़ानी पड़ेगी। और है ना, इंजेक्शन इतनी मोटी सुई वाला इंजेक्शन मारना पड़ेगा फिर मेरे मंगा की क्या हालत होगी। इसलिए कहता हूँ थोड़ी सी हेल्प करो ना यार, थोड़ी। तुम लोग थोड़े थोड़े पैसे की हेल्प करके जाओ ना। अरे रो मत, ठीक हो जाएगा मंगा। तुम लोग थोड़े सी पैसे की मदद करते हुए जाओ। ए भाई, थोड़ी तो हेल्प भाई, करो भाई। ये तो थोड़ी सी करके जाओ। चलो भाई, चलो भाई, थोड़ी सी करके जाओ, भागो यहाँ से। वो लोग हैं, उठ जा। बच गए यार, क्या बात है यार, बच गए यार। बच गए मुंडा, बच गए। ये कौन है नया सैंपल, कहाँ गया वो छछुंदर? छछुंदर छोड़, तू कौन? मैं डोंगरी दादा। मंगा कहाँ है? अच्छा तुम हो डोंगरी दादा? मंगा कहाँ है? तुम डोंगरी दादा? मंगा बाहर गया है। मंगा को बुला। मंगा बाहर गया है? मंगा गांव भर में झोल करता है तो क्या मेरा भी करेगा? मंगा जब आएगा तब आपको फोन करूंगा डोंगरी दादा, पक्का वादा कर रहा हूँ मैं आपसे। तू फोन करेगा ना? हाँ। वरना इस झोपड़ी के साथ तुम सबको उठा लूंगा, याद रखना। छोड़ो ना डोंगरी दादा, जान दो ना। चल तू कहता है तो जाने देता हूँ। ये लो सिक्का भाई। सिक्का भाई, तुम यहाँ कैसे आए? मैं? मेरी स्टोरी तेरे जैसी है। मतलब कि मंगा भाई ने मुझे तेरी तरह ही उठा के लाया था। जब मैं बहुत छोटा सा था ना, तब ये मुझे लेकर आए थे। हाँ, मंगा भाई तो बहुत महान है। और ये जो चौथा है ना, ये ना थोड़ा सा टेढ़ा है, पूरे दिन सबके साथ मस्ती मजाक करता रहता है और सब लोगों को मारता भी रहता है। पर उसकी एक बात बताता हूँ, हाँ, है तो मेरा दोस्त। और मंगा भाई जो है ना, जैसा झोल करते हैं ना, वैसे ही बहुत बड़ा झोलर बनूंगा मैं तो। मंगा भाई जैसा ही बनूंगा मैं भी मंगा भाई की तरह ही झोलर बनूंगा। कहाँ हूँ मंगेश, आज मेरे मम्मी पापा बाहर गए हैं तो मुझे तुमसे मिलना था। अरे मैं काम पे हूँ, बिजी हूँ, अभी साइट पर हूँ। ऐसे छोटे मुठे बहाने बनाना बंद करो, मैं तुम्हारी साइट पर आ रही हूँ। सिर्फ 10-15 मिनट तो लगेंगे, कपड़े चेंज करके मैं निकलती हूँ, मुझे यहाँ बहुत बोर हो रहा है। अच्छा ठीक है, तुम साइट पर पहुँचो, मैं तुम्हें अभी एड्रेस सेंड करता हूँ। ओके
चौथे, चार और चार आठ होते हैं, तो सिक्का और सिक्का कितना होगा? 1,00,000। ये सरदर्द फिर आ गया यार, तू जाना, संभाल लेना। तू ही जा, चल। मंगा भाई कहाँ है? तू जा के बात करना। मंगा भाई कहाँ गए? अब क्या बहाना बनाऊं? मंगा है ना मंगा, उसकी बीवी भाग गई है, तो वो दूसरे की बीवी लेने गया है। मंगा भाई की शादी कब हुई और उसकी बीवी कब भाग गई? और दूसरी बीवी ये कब हुआ? पैसे दो मेरे, मुझे पैसों की जरूरत है। जो पहले कपड़े पहन के आया था वही कपड़े हैं, अंडरवेयर भी नहीं है मेरे पास, बच्चों की फीस भी भरनी बाकी है, और भी काम है। सेम तेरे जैसा कभी आएगा वो, मुझे कैसे भी आज पैसे चाहिए, पैसों के बगैर मैं नहीं जाऊंगा। मंगा आएगा ना बता दूंगा, दूसरी बीवी लेके आएगा ना तो बता दूंगा। अभी वो बीवी कभी लेकर आएगा, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं नहीं रुक सकता हूँ मंगा आने तक, बस पैसा लेकर ही जाऊंगा। ये जोधा और वो चौथा मेरे दिमाग की माँ बहन एक करने आए हैं। वो कुछ नहीं जानता, मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो यहीं सो जाऊंगा, आज आया ही हूँ पैसे वसूल करने। चल चल अंदर चल, जाने दे इस पागल को, जाने दे, जाने चल। सलाम साहब। ये लो माचिस, तुम्हारी बीड़ी ली थी ना कि तुम्हारी बीबी। कोई बात नहीं, ये लो पैसा, खरीद लेना बंडल। अजीब आदमी है। अब तक आई नहीं, कहाँ गई है? फोन पर तो बोला था कि टाइम से आ जाऊंगी, कहाँ रह गई? कितना देर लगता है तुम्हें आने में? बस रास्ते में थी, आ ही रही थी ना। ओके ठीक है। मंगेश तुम्हारी इतनी सारी साइट है, मुझे कभी बताया क्यों नहीं तुमने? अरे बहुत सारी साइटें हैं, सब बताता हूँ तुम्हें। मैंने खाना मंगाया, चलो खाना खा लेते हैं। हाँ ठीक है चलो। खाना खाओगी ना? हाँ। क्यों मंगेश आज यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा? हमें तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे इसीलिए मैंने सबको छुट्टी दे दी है आज। मंगेश तुम मुझसे इतना प्यार करते हो मुझे आज ही पता चला। वो क्या है ना कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और प्यार को कैसे जताया जाता है वो मुझे नहीं पता। चलो हम खाना खा लेते हैं। हाँ ओके चलो। चलो मंगेश मुझे बहुत लेट हो रहा है तो तुम खाना खा लो, मुझे घर पर भी जाना है, पापा का फोन भी आ रहा है, बहुत लेट हो रहा है, तुम ये खाना खा लो, हम दोनों निकलते हैं फिर। हाँ मेरे भी आज एक दो जगह मीटिंग्स हैं, उसे अटेंड करना है और दो तीन साइट पे भी जाना है, उसे देखना है। कोई बात नहीं, कल हम फिर मिलते हैं। हाँ, तो मुझे भी लेट हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ, चलो मिलते हैं फिर बाद में। हाँ ठीक है ओके। कोई बात नहीं, फिर तुम जाओ, मेरा भी साइट पे कुछ काम है, मैं उसे निपटा लेता हूँ। कल मिलते हैं, चल बाय टाटा। सर आपको हमारा प्लॉट कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं? पसंद तो आया, पर आज मैं अपना चेकबुक थोड़ा घर पर भूल गया हूँ, कल आऊँ? हाँ कोई बात नहीं। हाँ कल आता हूँ। ठीक है इसे अपने पास रखो। ओके। उधर बैठ, क्या कर रहे हो तुम लोग? टाइम पास कर रहे थे। अच्छा टाइम पास कर रहे थे तुम लोग, सही है। ये सब भी थे,
ये कपड़े मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, देखो जरा कैसा है। जरा देखो, लेके बताओ तो। ए मंगा, मेरे लिए क्या लाया है? तुम्हारे लिए क्यों लाऊंगा मैं? मेरे लिए कुछ भी नहीं, काम करता है ये तो। घंटा का नहीं, काम करता है। रसोई तो संभलती नहीं इससे, टेढ़ी करता है सब कुछ। मैंने तो नहीं देखा। अच्छा ये ले, मावा खा ले तू। वाह मंगा वाह। अच्छा तो मैं कुछ करता ही नहीं? कुछ भी नहीं करता। ये मुझे मारता रहता है, परेशान करता रहता है। और इसको समझा देना टेढ़ी को ना मारे, इसको भी मारता रहता है। क्या भाई तुमको मारता है क्या? बहुत मारता है। मैंने तुझे कब मारा पता? टेढ़ी पे क्यों गुस्सा हो रहा है, उसे सही से बात कर। मैंने तुझे कब मारा बता ना, बता। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था, तू कहाँ जा रहा है? लट्टू खेलने। ज्यादा मस्ती मत करना और कोई लफड़ा नहीं चाहिए। चल निकल। ए अपनी माल से बात कर रहा था, तो क्या करें, हम भी सेटिंग कर ले? इसकी माल मेरी माल, दोस्ती में तो सब चलता है ना। दोस्ती वोस्ती सब बाद में, माल में भागीदारी नहीं, नहीं तो खाना नहीं दूंगा। ये कोई वड़ा पाव नहीं है, जो आधा तेरा आधा तेरा, मेरा पर्सनल माल। सुनना, माल हम सबका है। माल माल तो सबका है ना। अच्छा बता कैसे तूने पटाया उसको? मैंने भी तेरे साथ मेहनत की है, पता है ना तुझे? सही कहा ना मैंने, पता है? रहने के लिए घर दिया, पेट्रोल दिया, कपड़ा दिया, इसीलिए वो पट गई। पूछ ले भाई इससे, इसको बोलना मेरी भी सेटिंग करवा दे। इसकी मदद नहीं की होती ना तो इससे कुछ होने वाला नहीं था। तुम्हें एक लड़की क्या मिली, दोस्त को भूल गए? कलयुगी बाबा कहीं का। वो मेरे पास आई थी, मेरे बाल और मेरी सुंदरता को देखकर मेरे पास आई थी। तेरे झोपड़े जैसे बाल से कौन पटेगी? तेरी शक्ल पर तो कोई थूकेगा भी नहीं, सलमान खान बनने की कोशिश मत कर। मेरा झोपड़ा देखकर ही मेरे पास आई, तुम्हारे पास क्यों नहीं आई? हम दोनों का सेम ही तो है। तेरा मेरा सेम कैसे? छोड़ चल, गुस्सा मत कर। गर्म पानी के लिए कहा था, किया क्या? मैं भूल गया था, उस लड़की का फोन आया इसलिए। किसका 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 आया था कॉल? किसका आया था कॉल? तेरे तो मन में लड्डू फूटने लगते हैं जब भी मैं लड़की का नाम लेता हूँ। तू जाना पागल। बाकी की सारी बातें छोड़ो, जब ये रात को मिलने जाएगा ना तब तुम इसे खटिए से बांध देना, अच्छे से बांध देगा तो कहीं नहीं जाएगा ये। हाँ। समझ गया ना? इसका फोन ले जाऊंगा। हाँ इसका फोन ले जाना, सही है ना? यहाँ से नंबर निकाल लेना। हाँ मजा आ जाएगा। और यहाँ से नंबर निकाल लेना, तू भी चलेगा ना? क्या बोलता है? मैं तुम्हारे मुंह पर डिलीट मार दूंगा उस लड़की का नंबर। नंबर डिलीट? नंबर डिलीट करेगा तू उसका? करके दिखा ना। तुम लोग अपना लट्टू लो, छोड़ो, इससे झगड़ा मत करो, ये थोड़ा दिमाग से पैदल है। क्या हुआ है? हाँ पागल है, पागल हो गया। पागल हो गया है? हाँ मतलब दिमाग में चोट लग गया था। मतलब दिमाग से पागल? हाँ। एक काम करो ना, हमारे जूनियर सर बाबा है ना, बहुत परेशान हो चुके हो। कौन है वो? वो मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे साथ चलिए ना। तुम बताओगे? हाँ हाँ तो फिर चलो चलो, चलो। आओ चलो। हाँ चलो। कौन है बे? कौन है बे? छछुंदर डूंगरी दा, डूंगरी दादा। कहाँ है मंगा? मंगा आपको नहीं पता, आपको नहीं पता? गाड़ी प्लेन दोनों का एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? हाँ। गाड़ी प्लेन? हाँ। मतलब तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? कहाँ है मंगा बता? ये कौन है सिक्का? ये डोंगरी, डोंगरी दादा। ओहो हो, डोंगरी दादा। आओ 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 आओ। डोंगरी दादा पैसे लेने, पैसे लेने आए हो? ओहो हो। मंगा पैसा। कैसा पैसा डोंगरी दादा? पैसा मंगा, पैसा पैसा। तूने तो इसे बहरा बनाकर रख दिया। डोंगरी दादा पैसा चाहिए क्या? उधारी लेने आए थे, उधारी लेने आए थे। छछुंदर का पैसा था, बाहुबली का विलन लेकर आया था। तीन कालिये थे, तीन कालिये।
पैसा लेने आए थे डोंगरी दादा? मंगा मैं थोड़े पैसा लेने आया था, मैं तो पेशाब करने आया था। इधर 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 इतनी दूर यहाँ सुसु करने आए थे? सुसु करने आए थे? हे सिकम मार दो इसे। अरे मंगा जानता है किस लिए आया था? तो क्यों आए थे? पेशाब करने आया था। लाओ मंगा। हाँ इसकी पैंट तो गीली हो गई, शर्ट भी निकाल ले। शर्ट निकाल दो इसकी। हाँ। शर्ट चाहिए तुझे? हाँ निकाल निकाल निकाल। अरे मंगा ये गंजी क्यों और कुछ चाहिए तुझे? मंगा सोने की चैन। सोने की चैन? अरे मंगा बात तो सुन। हाँ चलना चल। मंगा ब्रेसलेट रह गया। ब्रेसलेट निकाल। चल निकाल। हे माँ सिक्का के नसीब में कुछ अच्छा है क्या? हे भगवान सिक्का का नसीब अच्छा कर दे। माँ तुझ पर पूरा विश्वास है मुझे। तेरी तो टुनटुन के साथ पक्की सेटिंग है ना? बराबर बराबर। हाँ बराबर बोल रहा है तू। सिक्का का नसीब सही है, जो भी कर रहा सही है। थोड़ा सा बढ़ाओ इसमें तो और बढ़ा। एक बार और बढ़ा देता हूँ। तुम्हें जो देना है दे देना, मुझे उससे क्या। ठीक है। अरे वो लोग तो आ गए। वो लोग तो आ रहे हैं। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। मुर्गी कटेगी ही बापू। देखिए ये बाबा मेरे बच्चे का कल्याण कर दो। बाबा इसका इलाज कर दो। हाँ इसको बाथरूम में किसी ने पकड़ लिया था। बाथरूम में पकड़ लिया था क्या? हाँ बाथरूम में। मरणी ने? हाँ मरणी ने पकड़ लिया था। हाँ कहीं नींबू तो नहीं लांगा इसने? उस दिन से ये किसी से बात नहीं करता। रानी ने पकड़ लिया था? हाँ राणे। चौथा मुझे लगता है इसका बादशाह रानी ने इसे पकड़ लिया है। ये लो अब और बताओ। देवी बता कि इसको क्या हुआ है, जल्दी से बता। अच्छा ऐसा? ओहो ओहो हो। कौन है? कौन है अंदर? मैं बता तो दूंगा लेकिन पैसा तो मिले। थोगा नाम है उसका। थोगा नाम है इसका। ये लो और बढ़ाता हूँ। इसमें तो दो ही दिखाई दे रहा है, और पैसा डालोगे तो और दिखेगा। और अच्छा बताओ बताओ कि तुम्हें कौन दिख रहा है? मुझे तो दिखाई दे रहा है कि इसमें ठोका भाई के किसी चुड़ैल का साया है। अरे ये तो इसके बाबूजी का नाम है। इसका नाम भी इसके बाप के नाम के साथ जुड़ा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। वो कह रही है कि बिस्किट नहीं दिया। चुड़ैल तो बहुत भारी है चाचा। हाँ बहुत ही भारी है। देना पड़ेगा ना चाचा। पैसे ले लो लेकिन काम हो जाना चाहिए। ठोका को बाहर निकालो। इतने ही पैसे? पर इतने पैसों इतने से पैसे कुछ से नहीं तो होगा। नहीं होगा। और दो गड्डी निकालो। और दो गड्डी। एक और गड्डी है तो निकालो। इसको नीचे रख दे। और एक गड्डी होगी तो निकालो खीसे में। अब मुझे लगता है और तीन निकलेंगे। ठीक है और पैसे देता हूँ, अच्छे से करना। हो जाएगा पक्का? हाँ। पक्का। ये लो। चिंता मत करो सब अच्छा हो जाएगा। अरे मैं बोल रहा हूँ ना सब अच्छा हो जाएगा। कितना है? हमारे गाँव की बाड़ी की सिंह। इसको गिन तो बोल और देना पड़ेगा, इतने में नहीं होगा। पेट्रोल? पेट्रोल का खर्चा? और कौन तंग कर रहा है भाई बताओ तो? पेट्रोल के पैसे बाकी हैं ना? ये बहुत ही खतरनाक तरीके की चुड़ैल है, इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेगी। अच्छा ये तो उनके परदादा का नाम है माताजी। मैं उसे अंदर ही अंदर लड़ रहा हूँ, बहुत ही ताकतवर है वो। और एक बार देख लो तो। इसको बताओ कि इसको बहुत सारी चीजों का पालन करना पड़ेगा। तुम्हें जो करना है करो लेकिन उसे छोड़ दो। खाली सींग चढ़ाने से कुछ भी नहीं होगा। ऐसा? अरे अच्छा हो जाएगा। हाँ जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम जाओ यहाँ से, मैं छोड़ेल को देख लूंगा। जाओ। अच्छा ऐसा? हाँ तो कल ये ठीक हो जाएगा। कितने बजे का टाइम दे दो? हाँ ठीक हो जाएगा। 10 बजे कह रहा हूँ, 10 बजे से पहले मैं ठीक कर दूंगा उसे। चल पैर छू। पैर? हाँ पैर छू। 10:01 पर रेडी हो जाना। 10:01 पे रेडी कम्प्लीट। हाँ चलेगा। कल ये 10 बजे पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ से जाओगे तभी तो ठीक करूंगा मैं। अच्छा तुम लोग जाओ मतलब हम भी निकले यहाँ से। कंप्लीट हो गया झूल। तो मैंने अपने कब्जे में ले लिया है। सही है सही है। पैसा ले लो। अरे वाह मेरे पेट्रोल के पैसे तो मिल गए। हाँ इतना तो बहुत है, इतने से काम हो जाएगा अपना। सही है चलो पार्टी तो बनती है।
पार्टी बनती है। पार्टी कैसे बनेगी? पार्टी तो बनती है इसी बहाने, पार्टी तो बनती है। 1921, मैं इंडिया से इंग्लैंड म्यूजिक सीखने आया था। मुझे आए हुए अभी एक ही दिन, सब कुछ अच्छा चल रहा था, म्यूजिक भी और जिंदगी भी। जीने की को आप रूहों को देख सकते हैं। कौन है? अरे भूत कुछ नहीं होता, तुम पागल हो गया? अबे चुप, ये पागल हो गया है। अरे सो जा ना, पागल हो गया क्या? सो जा। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी से, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। वो खा रहा है क्या? इसको तो पहले ही सब्जी दे दिया। चुप करके खाना। मंगा कौन है? मंगा कौन है? मंगा कौन है? मैं हूं। काम है तुमसे, बैठो। बोलो क्या काम है? मैंने सुना है कि तुम लड़की सप्लाई करते हो।
किसने कहा तुमसे? मैंने कहीं से सुना है कि मंगा भाई लड़की सप्लाई करता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा धंधा नहीं करता। तुम लोग निकलो, निकलो यहाँ से। अरे, मगर तुम्हें जो चाहिए वो ले लो ना। दोगे? कब लड़की ला दोगे? किसके लिए? इसके लिए चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए। ये तो मेरा दोस्त है। ड्राइवर है ये तुम्हारा? हाँ। कोई बात नहीं, मिल जाएगी तुम्हारे लिए। हाँ, मेरे लिए मिल जाएगी। कितना दोगे बोलो तो? तुम बोलो। 5 लाख। अरे इतना ज्यादा? तो 5 लाख में नहीं तो कितने में मिलेगी? तुम्हें लड़की चाहिए ना? कब लाके दोगे लड़की मुझे? 12 बजे मिल जाएगी। 12 बजे कौन आएगा? ठीक है तो चलो 7 बजे मिल जाएगी। फाइनल? एडवांस पूरा दे दूंगा। ठीक है, दे दो। 7 बजे फाइनल मिल जाएगी? हाँ, फाइनल। बारात लेकर आऊँ? कंफर्म कंफर्म। 7 बजे डीजे और बैंड वाले के साथ में आ जाना। क्या बात है। हाँ हाँ, एडवांस दूँ? अभी 3 लाख रुपए एडवांस लेकर आया हूं। अरे चलेगा चलेगा, अरे गिनने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मिल जाएगी, जाके मजे करो। बराबर, चलिए ठीक है। अरे कंफर्म हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। 7 बजे बराबर। अरे हाँ हाँ, बेझिझक होकर आ जाऊंगा। अरे कंफर्म 7 बजे ढोल नगाड़े के साथ। ठीक है ठीक है, चलता हूँ। ए मंगा, क्या हुआ? अब ये लड़कियाँ बेचने का धंधा कब से शुरू कर दिया तूने? वो पहले आया था, मेरी हड्डी पसली एक कर दी। ये तुझे नहीं दिखता? वो जो है ना, वो तेरा बॉस है। ये पतरा वाला घर जो हमें मिला है ना, इसे वो तूफान की तरह उड़ा के ले जाएगा। तेरे पास माल है? अच्छा, माल माल है? ये माल मेरा है, बेचने के लिए नहीं है। तू गांव में झोल करेगा और मेरा ही माल बेच देगा? कान के नीचे ही एक लगा के दूंगा ना। तो मेरे पास भी एक लड़की है, चल निकल। काटा लगा, कहाँ लगा? आई, यहाँ लगा। काटा लगा, कहाँ लगा? आई, यहाँ लगा। ओ हो हो, काटा कहाँ ला, काटा लगा। हेलो भाई, काटा लगा भाई, सुन रहे हो? कहाँ लगा? उतरो, उतर उतर, ये मेरा झूला है, तुम्हारा हिस्सा नहीं है इसमें। अरे हटना यहाँ से, निकल। मंगा भाई से बताता हूँ, वो तेरी खबर लेंगे। चल निकल, मंगा से डरता हूँ क्या मैं? काटा लगा, कहाँ लगा? मंगा भाई, क्या हुआ? मुझे सिक्का ने बहुत जोर जोर से मारा है। कौन सिक्का? सिक्का। ए, इधर आ सिक्का, इधर आ। अब इसे क्यों मारा तूने? बता क्या हुआ था? ये मेरे झूले पे झूल रहा था। तो क्यों झूल रहा था? पानी भर जाके। चल अपना काम कर, निकल, चल जा। हेलो, मैं बिल्डर हूँ। बोलो। मुझे कुछ फ्लैट्स बेचने हैं। तुम्हारा काम करने का तरीका अच्छा है, मैंने सुना ऐसा। हाँ, बड़ा काम है, पेट्रोल पंप है अपना, एक होटल भी चलता है अपना। बोलो, तुम्हारा क्या काम है? नहीं नहीं, मेरे ऐसे यहाँ पे छोटे मोटे फ्लैट्स हैं। नहीं 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 नहीं, ये धंधा नहीं पसंद है मुझे, मैं फ्लैट का काम नहीं करता हूँ, नहीं कर सकता मैं। अरे यार, लेकिन तुम्हारे लिए तो बहुत छोटा सा काम है ये। बहुत कम समय होता है मेरे पास, मुझे बाहर की कंट्रियों में भी जाना होता है, और भी बहुत बड़े बड़े बिजनेस संभालने पड़ते हैं मुझे। तुम्हारी बात बराबर है, मैं फंस गया हूँ थोड़ा, मुझे वाकई जरूरत है। तो एक बार देखना पड़ेगा, अच्छा फिर मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, ये मेरी ऑफिस की चाबी है, तुम देख लो। हाँ हाँ, फिर हम बाद में मिलते हैं। ओके ओके, मैं देख लूंगा जी। ओके, ओके? परेशान मत हो, बराबर है, ऑफिस में देख। श्योर। आइए आइए मैडम, अंदर आइए आइए आइए, यहाँ खड़े हो जाइए। आइए, 15,000 डाउन पेमेंट है, 3,000 करके 5 महीना देना है, बाकी का अमाउंट बैंक लोन कर देगा। ठीक है, पैसा भर दो और कार्ड ले आना। हाँ हाँ।
आइए पैसा गिन ले, जल्दी जल्दी अब आइए। आइए भाई साहब, आप भी आइए, आइए आइए। हाँ बताइए क्या स्कीम। 25,000 डाउन पेमेंट है, 5,000 पांच महीने देना है, बाकी का अमाउंट बैंक लोन कर देगा। अरे इतनी लाइन क्यों है? चलो भाई आगे चलो। 50,000 डाउन पेमेंट है, 10,000 पांच महीना देना है, बाकी का अमाउंट बैंक लोन कर देगा। ये ले। अरे मंगा भाई, ये ऑफिस तो अपना कल खोलना था ना, मुहूर्त तो कल का है ना। अरे मैं यहाँ से निकल रहा था तो सोचा थोड़ा अपना हिसाब करता चलूं। क्या है ना कि बड़ा कारोबार है तो थोड़ा हिसाब किताब करना पड़ता है, और अच्छा। पैसे गिनने में थोड़ा टाइम तो जाता है ना। हाँ, वो क्या है ना कि एक बार अगर मैं ऑफिस देख लूंगा ना तो फिर ये सब का काम हो जाएगा, इसके लिए मैं यहाँ पर आया था। कल से ही खुलेगा, लेकिन क्या है ना कि मुझे थोड़ा सा मीटिंग करना था, वो क्या है ना मीटिंग जरूरी था, फिर हम 10 दिन बाद आएंगे। क्या है ना कि हम दोनों थोड़ा बाहर जा रहे थे। अरे भाई मेरा फ्लैट अटका हुआ है, मेरा पैसा फंस गया वहाँ पे, उसे निकाल दो ना। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात सही है, पर क्या है ना कि मेरा भी काम थोड़ा अटका हुआ है, उसको भी निपटाना जरूरी है। 10 दिन खाली रुक जाओ। अच्छा। उसके बाद मैं पटा दूंगा, चाबी मेरे पास है आपके ऑफिस की, आके आपका काम पटा देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, बराबर। हाँ कोई बात नहीं, हाँ चलो चलो ठीक है। वो तुझे लेने आ गए। मंगा भाई मैं जाऊं डांस करूं? आ जा नाच, तू भी जा। बॉस 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 पता चल गया, बॉस पता चल गया, ये लड़की नहीं थी। क्या? हाँ ये लड़की नहीं थी। क्या बात कर रहे हो? हमें टोपी पहना गया। क्या? हाँ हमें 5 लाख का चूना लगा के चला गया। क्या? हाँ वो लड़की नहीं थी। क्या? अरे वो लड़का था। हाँ वसूल करूंगा मैं। अरे किससे वसूली करूंगा? अरे वसूल करूंगा। अरे वसूली नहीं हो पाएगी। अरे करूंगा करूंगा, मेरी बात सुनो, उसको आने दो अभी। तुम क्या बात कर रहे हो? वसूल करता हूँ मैं। हे भगवान, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले मेरे पैसे वापस कर, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। अरे कहाँ भागे तुम? क्या बेटा, मेरी तो मैं ऐसी बात लगाऊंगा। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़, 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 पकड़,
पकड़ो इसे, जाने मत दो। रुक जा, कहाँ जाएगा? रुक, हमें बेवकूफ बनाता है। अरे भाग रहा है वो, पकड़ो। क्यों, हो गई वसूली? मैंने पहले ही कहा था, उन लोगों ने हमें टोपी पहना दिया और हमने पहन भी लिया। बर्बाद हो गया मैं, पैसा भी गया। अरे हो गया अब तो। अरे अरे हैं? वो मंगा है ना, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो उसे नहीं छोड़ेंगे? कोई कीमत पे भी नहीं। मंगा कहीं होगा, उसे नहीं छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं छोड़ना है मुझे उसे। चलो अब क्या मुझे हुआ? मुझे मंगा चाहिए। कहाँ है मंगा? मुझे नहीं पता, मुझे तो बस मंगा चाहिए। मैं तो बर्बाद हो गया। अरे दूसरी आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो, दूसरी आ जाएगी। मुझे नहीं पता, नहीं चलेगा, चुप रहो। 5 लाख तो गए मेरे। हाँ, हाँ। मेरे अब पैसे ला कर दो। अब वो पैसे तो चले ही गए। मुझे नहीं पता, मंगा को कोई भी कीमत पर ढूंढ के लाओ। ओए इस तरह क्यों सो रहा है दे रे? ए मंगा, ओए मंगा, फोन छोड़। क्या हुआ? मैं यहाँ हूँ। बोल। मैं हूँ। हाँ बोल ना। अब बता क्या हुआ उस चौथे का? अरे चौथा का क्या बताऊँ? अरे देख ना चौथा आ गया, देख। मंगा तुमने ठीक नहीं किया, इसी ने तो मुझसे कहा था ये सब करने के लिए। हे, हंसने के चक्कर में भूल ही गए रात को इसके साथ क्या हुआ, इसने बताया नहीं। हाँ, ये क्या हुआ, क्या हुआ ये? चढ़ा था। और किसने तुम्हारी ऐसी हालत की? उन्हीं लोगों ने। अरे उसकी ऐसी तैसी। मैं पूरी रात वहाँ पे परेशान होता रहा, तू यहाँ पे हंस रहा है, हैं? नहीं नहीं तुम टेंशन मत लो, तुम इधर आके बैठो, हमारी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है, आओ बैठो। अच्छा चलो तुम अंदर चलो, पहले चल के कपड़े बदल लो, तब तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। इसके तो सारे कपड़े उतर गए। भगवान, सो जाओ। मैं नहीं उलझ रहा हूँ, ये उलझ रहा है मेरे साथ। सो जाओ चुपचाप, तू भी सो। सो जाओ। नींद हराम करके रख दिया यार तुम लोगों ने।
जोधा, उस मंगे की उधारी का क्या हुआ? हाँ मालिक, मैं तो रोज रोज जाता हूँ। ठीक है, अगर आज से कोई उधार लेने आया तो तेरी पगार कट। ठीक है मालिक, आज तो मैं जाऊंगा और पूरी वसूली करके ही आऊंगा। तो जाना फिर। हाँ ठीक है, ठीक मालिक। हाँ जा। हाँ हाँ सर, थोड़े पैसे चाहिए, 50,000 रुपए। 50,000 क्या होगा? नहीं वो शादी, शादी का नहीं, शादी का काम है सर। शादी का काम है? हाँ। थैंक यू सर। भाई भाई है? भाई तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को बाहर घुमाने ले जाना है। गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाएगा? दो ना पैसे, दो ना। अरे कितने चाहिए? 10,000। 10,000 में तू गर्लफ्रेंड घुमाएगा? तुम्हें ना घुमा दे। नहीं नहीं भाई, दो ना भाई, पैसे दो ना। साहब जी, बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे चाहिए साहब जी। अच्छा, सिगरेट बीड़ी उड़ी तो नहीं खरीदेगा ना? गर्लफ्रेंड तो नहीं पटाएगा? फीस ही जमा करना है ना, ले जाके जमा कर देना है। धन्यवाद साहब। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवाना इसका। खुश रहो, आगे बढ़ो। थोड़ा सा सर पैसे दीजिए ना, थोड़े पैसे दे दीजिए ना। मेरी बीवी को पीलिया है, प्रेग्नेंट है, पीलिया है, मलेरिया है। अरे ये तो हूबहू अपने मंगा जैसा दिखता है। हे मेरी बीवी ठीक हो गई, उसको बेटा भी हो गया है, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अरे अपने मंगे का फोटो लेके घूम रहा है। बाल कटवाने के लिए पैसा लेते जा। अरे ले, कहाँ गया था तू? आइटम से मिलने। अच्छा मस्त, आइटम से मिलने गया था, सुना तूने? बहुत लंबा गया था मिलने। अच्छा हाँ तो फिर मंगा भाई आ गए। अरे जोधा भाई, मंगा भाई आप आ गए। हाँ अरे ये तो दिमाग की दही करने आया है, तू क्या इससे पैसा लेगा? मेरी तो हालत खराब कर दी। हेलो सेठ जी। हाँ बोल। मंगा मिल गया हमें, पैसे लेके आना। आज तो अपने उधार के पैसे मिल ही जाएंगे। अच्छा किया तूने, 100% मालिक, 100%। हाँ तो पैसे लेकर ही आना। हाँ पैसे लेकर ही आऊंगा, पाँच छह महीने का पेमेंट बाकी, इसीलिए आया हूँ। पैसे का झोल झाल हो जाएगा तो अपनी पिक्चर भी स्टार्ट हो जाएगी। चल रख फोन। हाँ तो मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। आओ, क्या मंगा भाई? आओ, काफी दिन हो गया तुमसे मिले हैं? मंगा भाई आप। अरे मंगा भाई छोड़ो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हे देखता नहीं, अरे जोधा भाई आए हैं। हे टेढ़ी, जा चाय लेकर आ। बोलो बोलो क्या हाल है? मंगा भाई मैं रोज रोज पैसे लेने के लिए आता हूँ और आप मिलते ही नहीं भाई। अरे पैसा था मेरे पास लेकिन वो क्या है ना, थोड़ा कम पड़ गया। अब कम पड़ रहा है तो मैं क्या करूँ भाई? वैसे पैसे का क्या काम है? काम है नहीं, अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई, आना पड़ा। चाय पियो जोधा भाई, पहले चाय पी लो, चाय पीते हुए बात करो। तो बताया नहीं पैसे की क्या जरूरत है, ऐसा क्या जरूरी पड़ गया? मेरा भी प्लान है शूटिंग करने का। हाँ शूटिंग करवाना है, हीरो बनने का प्लान है। हाँ बाजू में होती है, अगर करवाना है तो बोलो। पैसा अगर तुम लगा रहे हो तो हीरो तो तुम ही बनोगे ना। हाँ तो फिर ठीक है, हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। पैसे की बात मत करो, पैसा छोड़ो। हाँ तो ठीक है, मैं पैसों का झोल झाल करता हूँ। ठीक है, 1-2 लाख रुपए है, बाकी जो बचेगा वो बाद में दे देना। पिक्चर में हीरो हो तो थोड़ा टिप टॉप बन के आना। और कुछ है सबको वहाँ देना? है। कितना है? अभी तो मैं दे रहा हूँ, बाकी का मैनेज कर लेंगे। तो सेठ जी से तुम क्या बोलोगे? सेठ जी तो बाहर गए, मैं मैनेज कर लूंगा। ओ, ऐसा? और आज दुकान बंद है, हड़ताल है। अच्छा हाँ कोई बात नहीं, लाओ। दिन नोट बंद कर दिया, मंदा है। ये कितना है? ये है 2 लाख रुपया। अच्छा बैठो बैठो बैठो, तो ये 2 लाख रुपए है। हाँ। लेकिन हमें तो 20 लाख रुपए लगेंगे पिक्चर बनाने में। तो 20 लाख हो जाएगा झोल झाल। तो सेठ जी को तुम संभालोगे? हाँ वो पक्का कर दूंगा। ना तो तुम्हारे हीरो का रोल पक्का हो गया, हो जाएगा। अरे आज मजा आ गया, वो भी बहुत दिनों के बाद। लॉकडाउन हीरो हूँ मैं तो, हीरो बन ही गया बापू। हाँ वाह, अब
यार, मेरा दिमाग कहीं ठंडा हुआ है। देखा जोधा भाई को कैसे फंसाया मैंने। भाई भाई, वो आदमी मेरे हाथ से निकल गया। तुम लोगों को खिलाना पिलाना पैसा वैसा देना सब बेकार। खा के भैंसे जैसे टहलो, कोई काम की नहीं हो तुम लोग। चलो भागो, मैं खुद ढूंढ लूंगा। जाओ जाओ। क्यों माज भाई, कैसे हो? पैसा वैसा है कि नहीं है? हाँ है। ये सब क्या कर दिया? कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ? तो थोड़ा पैसा चाहिए था मुझे। पैसा? 2 लाख रुपए चाहिए था मुझे। अच्छा चलो लो। मैं दे दूंगा थोड़े दिन में, ठीक है? हाँ, हाँ। मगर जल्दी देना। हाँ, हाँ जल्दी जल्दी। हाँ, एक ही महीने में, ठीक है? इसको तो मैंने कहीं देखा है, मगर कहाँ? याद नहीं आ रहा, कहाँ देखा इसको? याद कर याद कर याद कर। अरे तो वही है, पकड़ो इसको, जल्दी जाओ। जी बॉस जी, चलो। एक काम करते हैं मंगा, इसको डायरेक्टर बना लेते हैं। यही तो करना है मंगा। हाँ हाँ सही कर रहे हो। ओए पागल, ओए क्या कर रहे हैं यहाँ? इधर मुझे तुझसे एक काम है, चल उठ। पैसे चाहिए? हाँ? अगर मैं तुम्हें कुछ पैसे दूं तो रोज ये जो हरकत करते हो बंद कर दोगे ना? पक्का? चलो ये पहले अपने गले से निकालो। पैसे चाहिए? मैं देता हूँ। बोलो इतना चलेगा? पहले टी शर्ट पहले, तो पहले बनिया ये टी शर्ट उतारो, पहले निकाल इसे, उतारो ना, निकाल। नए कपड़े लेकर आए हूँ तुम्हारे लिए। हम तेरे लिए मस्त कपड़े लेके आए हैं। निकाल निकाल निकाल। क्या बोलना है? कट कट। हाँ फिर से एक बार बोलो। एक्शन। टिल टॉप। टिल टॉप। और कट कट। हाँ अबे बराबर, बिल्कुल सही। ये ए ए हीरो मस्त, समझ में आ गया ना क्या करना है? एक्शन। टिल टॉप कट। अच्छा तू जाकर देख वहाँ की लाइट वाला आया, कैमरा वाला आया कि नहीं। तू पहले उसे कंप्लीट कर और तू चाय नाश्ता खाना पीना इस सब का ध्यान देगा, समझ गया ना? और बचा प्रोडक्शन का काम ये संभाल लेगा, बराबर? इसे लेते हुए आना। अरे इसका टेंशन मत लो, कुछ नहीं, चुप। वहाँ बोलना यहाँ मत बोलो। अच्छा तुम लोग जाओ फटाफट अपना काम कर लो, बराबर? अच्छा तुमको समझ में आ गया है ना कि तुमको क्या बोलना है डायरेक्टर ने? क्या बोलोगे? टिल टॉप। टिल टॉप। एक्शन। कट। बराबर। आओ चलो चलो, रेडी हो ना, कपड़े उपड़े बराबर कर लो। हाँ टॉप। एक्शन। एक्शन। कट कट। हे तुझे पता नहीं है उधर कैमरा वाला है, लाइट वाला है, और ऊपर से तुमने इस पागल को ऐसे खुला छोड़ दिया है। ध्यान रखो इसका, तुम समझ गए हो ना क्या बोलना है? सिर्फ कट और एक्शन। दोबारा बता रहा हूँ, ये बात अपने दिमाग में घुसा के रख लो। और ये कपड़े 5,000 के मैंने ही दिए हैं तुम्हें, भूलना मत, याद रखना। और मेकअप वाला कहाँ है, तुम्हें कुछ पता होता है कि नहीं? अरे वो सभी लोग हमारा वेट कर रहे हैं। अरे तुमने बताया नहीं, डोंगरी आने वाला है। आने वाला है तो? अरे हम उससे वसूलेंगे पूरे 2 करोड़। दो दो दो, पूरे 2 करोड़ वसूलेंगे उससे। हाँ फटाफट। उसने बताया है कि हीरो बनने के लिए 20 लाख रुपए दिया है। अरे वो सब मैं देख लूंगा, बस तू एक काम कर, फटाफट जाके लाइट कैमरा सेटअप सब कुछ लगवा, यहाँ पे खड़ा मत रह, चल जा जल्दी जाके काम शुरू करवा। लाइट उठवा, मेकअप वाले को बुला, जाके कुर्सी लगवा, मतलब मंगवा ले, बराबर? समझा? हे तुझे क्या समझाया मैंने? खाली एक्शन और कट, ये दोनों चीज बोलना है, बराबर? नहीं तो पैसे काट लूंगा और जैकेट भी ले लूंगा और की तरह वहीं छोड़ दूंगा जहां से लेकर आया हूं। टिल टॉप बोलना है। टिल टॉप। क्या बोलना है? टिल टॉप। ऐसे नहीं, फिर से बोलो। टिल टॉप। टिल टॉप।
टॉप हाँ, समझ गया। और तू फटाफट कुर्सी लेकर आ और तू चाय का अरेंजमेंट कर। जोधा भाई हैंडसम लग रहे हो। हीरो फिल्म का हीरो क्या समझते अरे हो? आओ आओ जोधा भाई आओ 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 जोधा भाई कैसे हो? आपने देखा वहाँ पर देखो लाइट आ गया कैमरा आ गया। क्या मंगा भाई यार लग ही नहीं रहा है शूटिंग हो रही इधर। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे भाई शूटिंग में बड़ी गाड़ी मंगवाई है मैंने तुम्हारे लिए बराबर। इधर कैमरा है लाइट है देखो उधर कुर्सी लगी है टेढ़ी जाके कुर्सी लगा जोधा भाई के लिए। इसमें बोलना है तेरे को मंगा भाई हीरोइन कहाँ है मेरी बताओ ना। अरे हीरोइन आ रही है पांच मिनट खाली 5 मिनट और तब तक मेकअप करवा लो और अच्छे बन जाओ। मेकअप लग जाएगा ना तो अंदर का एक्टर बाहर निकल के आएगा। आप बात समझो मेरी जो कह रहा हूँ। चलो मेरे साथ आइए आइए जोधा भाई बैठिए यहाँ पे। आ रही है हीरोइन आप टेंशन मत लीजिए। पानी लग जोधा भाई को पानी पी लो। अरे मेरे लिए मंगाया था अपने लिए। हाँ हीरोइन आ रही है मेहमान को पानी पिलाना चाहिए। हाँ पियो पियो। हे टेढ़ी वो लाइट वाले रेडी है ना? काम चालू है। चालू है ना काम चलो ठीक है। ए सिक्का वो मेकअप दादा अभी तक नहीं आए जल्दी फोन कर। और चाहिए पानी? बहुत टाइम हो गया मंगा भाई। खाली अब 2 मिनट बस मेकअप कर लो बाकी अब टेंशन मत लो। ए मंगा देख मेकअप दादा आ गए आ गए आ गए आ गए देख ये जोधा भाई हैं अपने पिक्चर के हीरो यही हैं मेन हीरो एकदम अच्छे से इनका मेकअप कर दो। और हाँ आज शाम तक तुम्हें तुम्हारा फुल पेमेंट मिल जाएगा। हाँ, तुम हाँ, टेंशन मत लो बाकी इनका अच्छे से मेकअप कर दो बस। तुम तीन तीन हीरोइने हैं इनके साथ हाँ। तीन तीन हीरोइने कर दो इनका मेकअप खूब अच्छे से। बैठो यहाँ पर बैठो। अरे चालू करो मेकअप। हाँ हाँ इधर लो जोधा भाई का चश्मा। अरे ओ मंगा भाई। अरे डोंगरी दादा आओ आओ आओ। ओहो अरे दादा नहीं दादा नहीं तो सिर्फ डोंगरी बोलो मंगा। डोंगरी दादा सुधर गए लगता है। हाँ तो ढोना बहुत काम है मुझे। काम क्या हो रहा भाई ये सब क्या चल रहा है? अरे पिक्चर बना रहा हूँ तुम्हें। पिक्चर बना रहा हूँ तुम्हें नहीं पता डोंगरी दादा? मैं तो यहाँ से जा रहा था लेकिन और ये कोट बूट सूट ये सब क्या है? फिल्म में आ गया ना मंगा भाई अपनी भी थोड़ी बहुत इज्जत है। सुधर गया लगता है। अरे यार तुम लोगों को कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं हूँ ना टेंशन क्यों ले रहे हो? स्टाइल देखो इसकी क्या बात है। अच्छा अच्छा सुनो मंगा भाई मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। बोलो बोलो जो पिक्चर बना रहे हो हाँ मस्त बनाना एकदम हाई फाई बनाना। अच्छा पैसे वैसे की जरूरत पड़े ना डोंगरी भाई ने सिर्फ डोंगरी को फोन करेगा ना तो पैसा मिल जाएगा। और सुनो मंगा भाई तुझे कुछ जरूरत है? हाँ जरूरत तो है ना देखो ना लाइट कैमरा सब लगा है तो लो 2 लाख रुपए हैं। और पैसे की जरूरत पड़े तो इधर सुनो मंगा भाई शर्माने का नहीं और भी है ये 3 लाख रुपया ये भी है 5 लाख और 5 लाख की जरूरत पड़े ना सुनो 5 लाख रुपए जो मैंने मैंने तुम्हें दिया था वो मत देना मुझे माफ। हाँ माफ माफ मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ अगर मुझे फोन करोगे। अरे नहीं आप यहीं पर रुक जाओ मेरी फिल्म में विलन का रोल आप ही करोगे। विलन ऐसे ही रुक जाओ। हाँ ऐसे ही कर रहे हो। हाँ, नहीं 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 हीरो का रोल नहीं हीरो बनना हीरो का रोल हीरो बनेंगे। ये लो मंगा भाई हीरो के लिए 5 लाख और देता हूँ और कोई जरूरत पड़े तो बोलना। बैठो मैं चाय पानी की सबकी व्यवस्था करवाता हूँ फटाफट। चलो चलो शूटिंग स्टार्ट करो। फोन करना नहीं नहीं हाँ हाँ ठीक है आप जाकर बैठो। मंगा भाई ठीक है चाय लाओ बराबर चलो चलो। डोंगरी दादा का अपने ऊपर फुल सपोर्ट है टनाटन एकदम कंप्लीट इसमें कुछ नहीं घटेगा कन्फर्म। गिन लिया बराबर कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। इतना जल्दी ठीक भी हो गया तू? अरे ये सैंपल यहाँ पर क्या कर रहा है? बोलो 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 कैसे आना हुआ? ठीक हो गया तू? कौन तो तूने तो कहा था कि 1500 की स्पीड से गिरा था। हाँ पर अरे प्लेन गिरा तो था सर्जरी करवानी पड़ी मुझे सर्जरी। नहीं मुझे नहीं पता मेरी गाड़ी का पैसा। नहीं नहीं पैसा निकाल चाहिए। अरे 5 मिनट रुको मैं गाड़ी को अभी 2 मिनट में मंगवाता हूँ यहाँ पर। ना, 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 पैसा चाहिए पैसा। मैं बाइक चाहिए। हाँ चाहिए ना। हाँ फटाफट मंगवाता हूँ। नहीं ये सब नहीं होगा पैसा तो। एक मिनट 1 2 3 गाड़ी में तो 2 ही सीट है।
तुम्हारे लिए तीन सीट वाली बनवा देंगे। हाँ, गाड़ी नहीं, तीन सीट वाली आ रही है। तीन सीट वाली बना देंगे। पैसा दो भाई। तीनों साथ में जा सकते हैं। चाहिए? दो मिनट में आ रही है। चुप रहे। हाँ, बराबर। गाड़ी दो मिनट में आ रही है। एक सीट फिट कर देता हूँ, फिर तुम लोग ले लेना। तुम तीन लोग हो ना, गाड़ी में दो सीट है। तुम एक काम करो, तुम्हें विलन का रोल दे देंगे हम यहाँ। एक काम कर, तुम्हें पिक्चर में काम करना है, तुझे काम हीरो बनना है। क्या बात है? अरे हीरोइन का भाई बना दूंगा। और कौन बच रहा है? विलन बना देंगे। दाढ़ी तो किसी की। हाँ, दाढ़ी है इसके। हाँ, ये विलन। और साइड में इसको कोई रोल दे देना, बराबर। और गाड़ी भी मिलेगी, पांच मिनट खाली, बस पांच मिनट में हो जाएगा। टेंशन मत लो, बराबर, तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है? चलो। और मंगा ने तुम्हें क्या कहा था? यार, ये अपना हीरो है, देखो, इसको कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। सब आ गए, लेकिन कैमरामैन कहाँ रह गया? देखो यार, से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सबका ध्यान रखना। फोन करो उसे तो देखो कहाँ है वो। ओए सिक्का, ओए सिक्का, इस पागल को अच्छे से समझा दिया है ना तुमने? कहीं सबके सामने अपनी इज्जत न उतार दे, टेंशन हो जाएगी। ये सब बराबर कर लेगा। क्या बोलेगा? एक्शन और कट, और कुछ नहीं बोले। अरे बस, खाली पाँच सात मिनट और रुक जाओ, गाड़ी रास्ते में वहाँ से निकल गई है। बस पाँच मिनट की गाड़ी आ रही है। एक्शन! ए मंगा भाई, तुझे बोला था ना, यहाँ जाओ। अरे आ रही, पाँच मिनट रुको। अरे नहीं डोंगरी दादा, अरे डोंगरी दादा, यहाँ ये बैठिए, आप जाकर उधर बैठिए। अच्छा सिक्के तो उधर सुन, यहाँ पर सभी के सभी इकट्ठे क्या करना है? मंगा भाई पैसा, पाँच सात मिनट में आ रही है भाई गाड़ी। उधर जा। मैं क्या कह रहा हूँ, हम यहाँ से निकल जाते हैं, नहीं तो जो कुछ भी हाथ में वो भी निकल जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ मंगा, तुझे सच कह रहा हूँ। दो लोग नहीं, तीन लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं। सही बोल रहे हो। अच्छा होगा कि हम लोग यहाँ से भटक लें। क्या मंगा भाई, किधर गया बापू? पैसा भी पूरा दे दिया, मंगा भाई किधर गया भाई? मंगा भाई दिख ही नहीं रहा है। शूटिंग चालू होगी कि नहीं चालू होगी? अरे बाबा, हीरोइन भी नहीं आई अभी तक। क्या यार, शूटिंग हो रही कि मजाक हो रहा है मेरे साथ? मैं लूट गया, क्या करूं? अरे बाबा, पैसा गया। जोधा भाई, अरे रो क्यों रहा है? भाई किधर गया? वही तो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, तू फिल्म का हीरो था ना, मैं पैसे लेने आया हूँ। अरे मेरा खुद का लेना बाकी यार। अरे मैंने कल तो पैसे दिए। अरे बाबा, मेरा खुद का पैसा लेकर चला गया। मैंने अपना घर बार गिरवी रख के शूटिंग का पैसा इकट्ठा किया था। कहीं ये मेरे पैसे का बेल्ट तो नहीं है? चल बेल्ट निकाल, हमारे पैसे का है भाई। मेरा मुझे क्या करूँ, पैसा मुझे चाहिए भाई। अरे तेरी तो गाड़ी गई है, मैंने तो अपनी कार दे रखी है। मेरा पैसा चाहिए मुझे, साइड है तो लूट गया यार। पहले मुझे उससे पैसे लेने हैं, मेरा खुद का पैसा पहले का बाकी है। पहले का एक लाख रुपए तो हमारा भी लेके चले गए। मैंने भी पैसा दिया, आपने दिया, मैं नहीं, मेरा सब बाकी है। सर पैसा दो ना, पैसा मेकअप का, मेकअप का। अरे मेकअप किया तो मैं क्या करूं? सर पैसा दो ना मेकअप का। ए भाई, सर दो ना। अरे दिमाग में, हमारा पैसा दो। अरे दो पैसा, दो पैसा, मेरा पैसा दो, पैसा दो, मार दे छोटा भाई। ताला लगा है? हैं? फिल्म पूरी? ए अंदर कोई है? मंगा, ए मंगा,
अरे वो मंगा बाहर निकल, मेरे पैसे कहाँ हैं जल्दी बता। अरे यार फिर मुझे चूना लगा गया लगता है, नहीं छोड़ूंगा इसे, मुझे लूट गया। हे भगवान मेरे पैसे फिर से डूब गए। Oh.